नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में इतिहास रच दिया है। जेवलिन थ्रो में नीरज ने गोल्ड मेडल जीतकर एथलेटिक्स में भारत को पहला गोल्ड दिलाया है। नीरज चोपड़ा ने ऐसा कारनामा कर दिखाया है जो इससे पहले आज तक किसी भारतीय एथलीट ने नहीं किया है। मेडल जीतने के बाद उनसे आज तक ने एक्सक्लूसिव बातचीत की, सुनिए। नीरज, बहुत ही बहुत बहुत बधाइयां, मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। 100 साल का पहला गोल्ड मेडल, थोड़ा तो यार बताओ आपको अभी सिंक इन हुआ है, आप बिलीव कर सकते हो क्या किया है आपने? बस अभी तो थोड़ा मुश्किल सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि यार पता नहीं, अभी शायद जाने के बाद विलेज में और इंडिया आने के बाद थोड़ा ज्यादा पता लगेगा। और ये तो जरूर है कि हाँ जी, जो मेहनत की थी वो आज ऐसा ऐसा मुकाम था ये ओलंपिक गेम्स, क्योंकि कॉमनवेल्थ रेसिंग गेम्स एक अलग चीज है लेकिन ओलंपिक से बड़ा कुछ नहीं है। तो आज ये क्या मायना लगता है, ये मेडल तुम्हारे लिए क्या है ये बताओ? ये बस मुझे लगता है कि लाइफ का, मेरे स्पोर्ट्स करियर का सबसे बड़ा दिन आज का, और अपने मतलब एथलेटिक्स के लिए और इंडिया के लिए गोल्ड जीता है तो एक बहुत ही बड़ी बात है मेरे लिए। और 87.58 आपने जब पहले सेकंड थ्रो में कर दिया था, क्या आपको लग गया था कि आप कर लोगे, ये आपका ही है कि आप थोड़ा तभी भी टेंस थे? नहीं नहीं, क्योंकि बाकी थ्रोअर जो हैं, जो सेकंड थर्ड आए हैं, वो भी काफी अच्छे थ्रोअर रह चुके हैं, उन्होंने 88-89 मीटर उनका भी बेस्ट था। मुझे लगता है कि वो कभी भी ऐसे ऐसे जो थ्रो कभी भी निकाल सकते हैं, पर दिमाग में उस टाइम यही था कि बस मुझे फोकस रखना है और अच्छी थ्रो करने की कोशिश करनी है, तो यही था। नीरज, आपको क्या कहा उन्होंने और आपने क्या कहा प्रधानमंत्री जी से? बस वो यही बोल रहे थे कि आज ने बहुत पूरे इंडिया को बहुत खुश कर दिया है, और आपके इस गोल्ड के बाद जो UAPD है वो और मतलब उनको मोटिवेशन मिलेगा और अपना वो और ज्यादा स्पोर्ट्स में आएंगे। और मैंने एक रिक्वेस्ट की कि सर प्लीज स्पोर्ट्स को, जो ओलंपिक स्पोर्ट्स है उनको और ज्यादा सपोर्ट करो, और हमारे देश में बहुत टैलेंट है और जैसे भी स्पोर्ट्स को आगे बढ़ा सके, क्योंकि पूरा सभी प्लान होते हैं सभी के पास, तो जैसे भी स्पोर्ट्स को आगे बढ़ा सके तो पूरा सपोर्ट करो और अपने स्पोर्ट्स को और आगे बढ़ाओ, ताकि हम और ओलंपिक में ऐसे मेडल जीत सकें और सारे जो भी। हाँ जी, लास्ट थ्रो पर आप जा रहे थे, आपको क्या लगता था आप ओलंपिक रिकॉर्ड तोड़ दोगे, 90 मीटर्स कर दोगे? उस टाइम तो एक एक्साइटेड बहुत ज्यादा हो गया था मैं, पता नहीं अब वो ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कैसी थ्रो होगी, फिर भी मैंने थ्रो किया। पर मैं बीच में मैंने बहुत कोशिश की कि मैं ओलंपिक रिकॉर्ड तोड़ने की कोशिश करूं, क्योंकि 3-4 मीटर तक जेवलिन चली जाती है, और ओलंपिक रिकॉर्ड नहीं तो मैं अपनी पर्सनल बेस्ट की तो ट्राई कर ही रहा था, और ये परफेक्ट डे था कि मैं अपना 90 मीटर क्रॉस कर पाता तो बहुत ही खुशी होती, लेकिन अभी गोल्ड जीता है तो। हाँ जी, मुझे पता है आपको जाना है, आप देशवासियों को क्या कहेंगे, क्योंकि देखिए हमारे वहां पे गोल्ड मेडल नहीं आता है, ये सही बात है। आपने अभिनव के बाद, और अभिनव आपको चिट्ठी भी लिखा है, अभिनव के बाद आपने ये जीता है। सो दो सवाल खत्म करने के लिए, आपने मिल्खा सिंह जी को और पीटी उषा और सबको ये डेडिकेट किया है, उसके बारे में जरा जिक्र करिए, और देशवासियों को क्या मैसेज देंगे आपको बता दीजिए। देशवासियों को मैं बस दिल से थैंक यू बोलना चाहूंगा, क्योंकि उनके बिना, उनकी स्पोर्ट्स के बिना, उनकी दुआ के बिना शायद कुछ नहीं था। मैंने मेहनत तो की थी, लेकिन जो दिल से आज उनको भी खुशी हो रही है, और मैं अपने आप को बहुत मतलब खुशहाल मान रहा हूँ कि मेरी वजह से आज वो पूरा अपना देश इतना खुश है। और अभिनव बिंद्रा जी को मैं बहुत बहुत थैंक यू करता हूँ कि वो, उन्होंने इंडिया के लिए जो भी किया है और उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, और उन्होंने ऐसा दिखाया है कि हम जैसों को कि यार हम भी गोल्ड जीत सकते हैं, और शायद उनकी वजह से एक ऐसा दिमाग में आ पाया है कि हम भी ऐसा कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद उनको, और बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो, आपने हमें सबको ये ओलंपिक्स हमारे लिए बना दिया है, मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन। पीएम मोदी ने गोल्ड जीतने के बाद नीरज चोपड़ा से फोन पर बात की है और उन्हें जीत की शुभकामनाएं दी। क्या कहा पीएम मोदी ने, आइए सुनते हैं। नीरज जी नमस्ते। नमस्ते सर, और बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आज ओलंपिक का समापन की दिशा में जा रहा है और आपने देश को खुश कर दिया। हाँ बस बोले सर, वही था कि बस ये मेरा लास्ट है, सबसे लास्ट ये है कि मैं इंडियन में, तो बस कुछ अच्छा करना है और गोल्ड जीतना, और तो बहुत खुशी की बात है, बहुत अच्छा लगा, और मुझे लगता है कि सभी जो अपने भारत और जो लोग देख रहे थे उनकी बहुत दुआएं और उनका सपोर्ट था पीछे से, इतने ज़्यादा लोगों का, तो शायद उसी ने मुझे यहाँ पे याद बुझाया है। पानीपत ने पानी दिखा दिया।
लेकिन इस बार एक तो ओलंपिक एक साल डिले हुआ तो आपको एक साल ज्यादा मेहनत करनी पड़ी और कोरोना में अनेक संकट आए, अनेक मुसीबतें आई, बीच में आपको चोट भी आई थी, लेकिन उसके बावजूद भी आपने बहुत बड़ा कमाल करके दिया और ये मेहनत के कारण होता है जी। नहीं बहुत ही ज्यादा सर, बहुत मुश्किल टाइम रहा था, बीच में इंजरी आई थी और ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कैसा कम रहा। लेकिन जिस दिन आप जा रहे थे और मेरी आपसे जो बात हुई, मैंने देखा कि आपके चेहरे में एकदम कॉन्फिडेंस था, आपकी बातों में कॉन्फिडेंस था और दूसरा मैंने देखा आपको प्रेशर नहीं था, बिल्कुल हंसते खेलते थे आप। जो सबसे जरूरी था मेरे स्पोर्ट्स कैरियर का और मैंने यहाँ पे आज अपना पूरा 100% दिया और अपने देश के लिए। नहीं, आपने आपने देश का नाम रोशन किया है और देश की युवा पीढ़ी को इसके कारण खेल के क्षेत्र में आगे आने का मन करेगा और इस बार टोक्यो में ऐसे ऐसे क्षेत्र में हमारे लोगों ने दम दिखाया है जो नॉर्मली भारत के बच्चे नहीं होते हैं, लेकिन आपने करके दिखाया है। बिल्कुल सर, मुझे लगता है कि आने वाले बच्चे भविष्य प्रेरित होंगे और अपना स्पोर्ट्स है और ज्यादा ऊपर जाएगा और मैं चाहता हूँ कि और आप तो फौजी है, आप तो फौजी हैं इसलिए और भी बच्चों को तैयार कर पाएंगे, बहुत अच्छी तरह तैयार कर पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर, बस आप ऐसे ही साथ देते रहिए खिलाड़ियों का और ऐसे ही मनोबल बढ़ाते रहिए। मुझे लगता है कि सर खेल बहुत ही जरूरी है एक देश के लिए और अपने देश को प्राउड फील करवाने के लिए। बिल्कुल, जब स्पोर्ट होता है तभी तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट आता है और आपके माताजी पिताजी को भी मेरी तरफ से प्रणाम कहिएगा क्योंकि ये बहुत गर्व का पल है आपके परिवार के लिए भी और देश के लिए भी। और राधा किशन जी को भी मेरी तरफ से बधाई दीजिए भैया। राधा किशन जी को भी और पूरे एथलेटिक्स फेडरेशन, हाँ उन्होंने भी आपके साथ कंधे से कंधा मिला के काम किया है। हाँ ठीक सर, तो 15 अगस्त को मिल रहे हैं भैया। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। ओलंपिक खेलों में भारत ने इतिहास रच दिया है। ओलंपिक के एथलेटिक्स में भारत कई साल से पदक का इंतजार कर रहा था और उस पदक के इंतजार को जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने खत्म कर दिया है, वो भी गोल्ड मेडल के साथ। इसके साथ नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक में 13 साल के बाद भारत को गोल्ड पदक भी दिला दिया है। द्वंद कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए, दोनों तरफ लिखा हो भारत, सिक्का वही उछाला जाए। आज पूरी दुनिया ने इस लाइन को साकार होते देखा, आज हिंदुस्तान के इस सूरमा ने इतिहास रच दिया है। ये वो जांबाज है जिसके आगे पूरी दुनिया नतमस्तक हुई है। ओलंपिक में 121 साल का इंतजार खत्म हुआ, हिंदुस्तान को पहली बार एथलेटिक्स में गोल्ड मिला। आज हिंदुस्तान के लिए गर्व का दिन है। हरियाणा के शेर नीरज चोपड़ा ने आज मैदान पर उतरते ही अपने इरादे दिखा दिए। पहले ही राउंड में मील का वो पत्थर स्थापित किया जिसके आसपास दुनिया का कोई भी धुरंधर नहीं पहुंच पाया। नीरज ने पहले अटेम्प्ट में 87.03 मीटर दूरी तय कर सबको चौंका दिया। अपने दूसरे अटेम्प्ट में 87.58 मीटर दूर भाला फेंका था। तीसरे अटेम्प्ट में उन्होंने 76.79 मीटर की दूरी तय की। चौथे और पांचवे राउंड में फाउल किया और छठे अटेम्प्ट में 80 मीटर से ज्यादा का थ्रो किया। इसी के साथ भारत ने 13 साल बाद ओलंपिक में गोल्ड मेडल हासिल किया है, वहीं ये भारत का दूसरा व्यक्तिगत ओलंपिक गोल्ड है।
हॉकी में 8 ओलंपिक गोल्ड जीतने वाले हिंदुस्तान ने 2008 में पहली बार व्यक्तिगत कैटेगरी में गोल्ड जीता था, जब बीजिंग ओलंपिक में शूटिंग में भारत के अभिनव बिंद्रा ने यह कारनामा किया था, जिसके 13 साल बाद नीरज दूसरे ऐसे खिलाड़ी बने हैं जिन्होंने ओलंपिक में व्यक्तिगत कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है। इतना ही नहीं, ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स यानी एथलेटिक्स में हिंदुस्तान को मिला यह पहला गोल्ड। ब्रिटिश इंडिया की ओर से खेलते हुए नॉर्मन प्रिचार्ड ने साल 1990 में हुए ओलंपिक में एथलेटिक्स में 2 गोल्ड जीते थे, लेकिन वो भारतीय नहीं अंग्रेज थे। इससे पहले कई मौके आए लेकिन भारतीय धुरंधर मेडल से चूक गए। 1960 के रोम ओलंपिक में मिल्खा सिंह मेडल से चूक गए थे, जहां वो चौथे स्थान पर रहे थे। वहीं 1984 लॉस एंजलिस ओलंपिक में पीटी उषा भी सेकंड के कुछ हिस्से से पदक से चूक गई थी। अंजू बॉबी जॉर्ज के भी शानदार खेल दिखाने के बावजूद किस्मत ने साथ नहीं दिया, वो 5वें स्थान पर रही। लेकिन आज नीरज ने कोई कमी नहीं छोड़ी। जिस अंदाज में नंबर 1 रहते हुए उन्होंने फाइनल में एंट्री की थी, आज उसी प्रदर्शन को जारी रखा, सीधे गोल्ड पर निशाना मारा। बोरिया मजूमदार के साथ राहुल रावत, टोक्यो आज तक। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिखाएंगे नीरज चोपड़ा का यहां तक पहुंचने तक का सफर। नीरज चोपड़ा ने पूरे देश को गर्व का मौका दिया है। नीरज की उपलब्धि पर पूरा देश नाज कर रहा है और हर कोई इस जीत का जश्न मना रहा है। देश दुनिया से नीरज को बधाइयां मिल रही हैं। यह जश्न ओलंपिक में गोल्डन जीत का है, ये जोश ओलंपिक में इतिहास रचने का है, ये उत्साह खेल जगत में वो मुकाम हासिल करने का है जिसके बाद हर किसी की जुबान से भारत माता की जय का नारा गूंज उठा। नीरज चोपड़ा के मुकाबले पर पूरे देश की नजर थी, हर किसी के दिल में पदक की आस थी, और जैसे ही नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक कर स्वर्ण पदक तक की दूरी तय की, पूरा देश खुशी से झूम उठा। देश का एक एक शख्स गर्व से भर गया। ओलंपिक्स में नीरज के इतिहास रचते ही हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर सामने आए और देश का सिर ऊंचा करने वाले बेटे के लिए घोषणाओं की बौछार कर दी। वास्तव में जैसे कहते हैं ना, टोक्यो में हरियाणा के छोरे ने लठ गाड़ दिया, और लठ क्या, भाले वाला लठ गाड़ दिया, भाला वही होता ना, तो भाले वाला लठ गाड़ दिया, छोरे ने कमाल कर दिया। अपेक्षा के अनुरूप, जैसा हम पहले भी सोचते थे कि गोल्ड हमको मिलेगा, गोल्ड मिला। और इस अवसर पर 13 तारीख को अभिनंदन तो हम करेंगे ही उनको, जो हमारी पॉलिसी है उसमें 6 करोड़ रुपए की राशि वो भी दी जाएगी, साथ में क्लास 1 की नौकरी। बेटे ने ये बड़ा मुकाम हिंदुस्तान के नाम किया तो पिता का सीना भी चौड़ा हो गया। नीरज के परिवार को बधाइयों का तांता लग गया। हर कोई नीरज की उस कहानी को सुनने को बेताब दिखा जिसने आज उन्हें देश का हीरो बना दिया है। ये बहुत खुशी हो रही है, हमें नाज है कि हमारा बेटा एथलेटिक में गोल्ड मेडल लेके देश का सुखा पूरा कर पाया। क्या कहना चाहेंगे आप, आपके बेटे ने गोल्ड लाया देश के लिए? हाँ जी, गोल्ड जीत के लिया है जी, भारत के लिए बहुत खुशी हो रही है जी। उन्हें इतनी मेहनत करी और कबात करी है जी, तो आज ये रंग दिखाया गया। भगवान की कृपा से वो देश के लिए गोल्ड लेकर ही हमारे भारत में लौटेंगे, तो हमें इस चीज की बहुत खुशी है। नीरज की गोल्डन जीत ने पूरे देश को गर्व का मौका दिया है। उनकी इस उपलब्धि पर देश के हर राज्य से बधाई संदेश पहुंचे। नीरज चोपड़ा, जिन्होंने भारत के लिए उपलब्धि हासिल की है, मैं प्रदेश के नागरिकों की ओर से, प्रदेश की जनता की ओर से उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं, उन्हें बधाई देता हूं। नीरज ने इतिहास रच दिया, 13 साल के बाद गोल्ड मेडल
ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ी लेके आए। नीरज की जिद, जुनून और जज्बे को मैं प्रणाम करता हूँ। सारा देश गौरवान्वित है। देश का मान सम्मान और शान नीरज ने बढ़ाई है। नीरज, बहुत बहुत बधाई। नीरज चोपड़ा की ये उपलब्धि इसलिए भी काफी बड़ी है क्योंकि ओलंपिक खेलों में 13 साल के बाद भारत को किसी इवेंट में गोल्ड मेडल मिला है। इससे पहले 2008 में बीजिंग ओलंपिक्स में निशानेबाज अभिनव बिंद्रा ने गोल्ड जीता था। यही वजह है कि नीरज की जीत के इस जश्न के साथ पूरा देश डूबा हुआ है। इतिहास में आज भारत ने पहली बार इतिहास बनाया जहां एक और नीरज चोपड़ा ने शानदार प्रदर्शन करके स्वर्ण पदक जीता है। इतिहास व्यक्तिगत रूप से भी बनाया और देश को भी सर्वाधिक मेडल जिताने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। मैं अपनी ओर से उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल के साथ नीरज चोपड़ा देश के गोल्डन बॉय बन गए हैं। नीरज की ये जीत भारतीय खेलों में नई शुरुआत लाएगी जिससे भविष्य में भारत की विजय के कई और रास्ते खुलेंगे। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरें आज तक पर लगातार